भाई साहब, इस बार हॉलीवुड भी कम आग नहीं मूत रहा है, जहां इस बार हमें दो ऐसी दमदार मूवी देखने को मिलेंगी जिनका बोलबाला एक टाइम पर होता था और अभी भी चल रहा है, लेकिन जो इसके मेन लीड में स्टार होने वाली हैं, उनका बोलबाला एक ऐसी जगह से हुआ है जो भाई बहुत ही अंडर डॉग एंड अंडर रेटिंग में माना जाता है। या दोस्तों, दोनों ही अलग दुनिया को डिनोट करते हुए एंटरटेनमेंट का लेवल 100% से लेकर 1000 लेवल पर हमें लाके देने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट ऑफ द एप्स के फोर्थ पार्ट की, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जहां इसका फर्स्ट पार्ट हमें 2011 में राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स में देखने को मिला था। और भाई, जब ये मूवी आई थी तो वहां पर लोग दंग रह चुके थे, क्योंकि चिंपांजीज, पहली बात तो आप चिंपांजीज को दिखा रहे हो लेकिन इतने सॉलिड विजुअल इफेक्ट के साथ दिखा रहे हो कि वो लोग बोल रहे हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। दैट्स व्हाई कि इस मूवी की ये जो सीक्वल्स आए हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल पर डिमांडिंग इनकी होती गई और लोगों को ये पसंद आते गया, क्योंकि VFX पर, विजुअल इफेक्ट पर बहुत अच्छी तरीके से काम करा गया है इस मूवी में। दूसरी मोस्ट फेमस मिली बॉबी ब्राउन की मूवी आ रही है डैमसेल, जिसे अगर आप जानते हैं तो वर्ल्ड की मोस्ट लवेबल एंड वॉचेबल एंड व्यूएबल वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स से इन्हें लाया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि उस वेब सीरीज के बाद इन्होंने कोई मूवी नहीं करी है, करी है लेकिन उतनी ज़्यादा हिट नहीं करके गई है। लेकिन डैमसेल में वो पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि एक अलग हिसाब किताब यहाँ सेट होते नजर आए। दैट्स वाई की इसके लिए एक्साइटमेंट है। तो अभी दोनों मूवीज के ट्रेलर आ चुके हैं, उनको रिव्यू करेंगे भाई, कैसा क्या हमें मूवी में आखिर मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, डैमसेल से स्टार्ट करेंगे। ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ था पेस के साथ, जहां पर प्रिंस एंड प्रिंसेस अपनी मिली बॉबी ब्राउन और उसके प्रिंस की जोड़ी देखने को मिलती है। एक ऐसा कॉम्बो सेट होते नजर आ रहा था, जो एक बार के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा था कि यार फिर वही चीजें, वही बकैती स्टार्ट कर दी। लेकिन कहानी वहां चेंज होती है भाई, मिली बॉबी ब्राउन को पाताल लोक में फेंक दिया जाता है, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसे मौत नसीब होने वाली है। और वो यहां से कैसे सरवाइव करेगी, वो ट्रेलर में थोड़ी जद्दोजहद देखने को मिली है, क्योंकि उसका सामना वहां किससे हो रहा है, एक ऐसे खूंखार दरिंदे से हो रहा है जो धधकता लावा, आग उगलते नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन के साथ उसका पंगा होने वाला है, और ड्रैगन से ये कैसे सरवाइव करती है या फिर ड्रैगन को ये कैसे अपने बस में कर लेती है, यही चीज आखिर देखने को मिल रही है। क्योंकि लास्ट में जब वो वहां पर पहुंच रही है, ट्रेलर के अंत में जब वो प्रिंस ने उसे क्यों फेंका या फिर ये सारी साजिश क्यों थी, क्योंकि अच्छी खासी एक अच्छी लाइफ होने वाली थी, हैप्पी मैरिड लाइफ, लेकिन अचानक से ये सडन चेंज, वाई, तो इसी वाई को पता करेंगे कि भाई मूवी में जब 8 मार्च को ये मूवी रिलीज हो जाएगी तब पता लगेगा कि क्या होगा। क्योंकि ट्रेलर दमदार है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन एक बार के लिए प्रिडिक्टेबल भी है, क्योंकि बहुत सी चीज उन्होंने दिखाई ही थी कि आखिर मूवी में तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो नहीं समझ में आया हूँ अभी तक का रिव्यू, तो भाई मूवी के लिए वेट कर लेना, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर 8 मार्च को ये मूवी आ जाएगी, जो इजिली अवेलेबल होगी। बात करते हैं दूसरी मूवी, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। भाई क्लियरली बोल के गया हूँ, लंबा नाम है, बहुत लंबा नाम है, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा फुलटा हो गया है। अभी तक जो चीज भाई ह्यूमंस के हाथ में थी, अब वही चीज चिंपांजीज यानी बंदरों के हाथ में पहुंच चुकी है, यानी जो सत्ता है, वो सत्ता जो ह्यूमंस के हाथ में थी, जो चिंपांजियों को ये कंट्रोल करके रखते थे, अब चिंपांजीज के हाथ में वो कंट्रोल पहुंच चुका है और अब ये ह्यूमंस को कंट्रोल करने लग रहे हैं। दैट्स वाई ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है। सत्ता एक ऐसे खूंखार लीडर के हाथ में है, जिसका नाम नोआ बताया जा रहा है, और जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, जिसका पूरा माइंड ही इस हिसाब किताब से सेट है कि जो भी अभी तक ह्यूमंस करते थे वो अब हम करेंगे, यानी अब ह्यूमंस को हम पहले तो बंदी बनाएंगे और उन ह्यूमंस के द्वारा जो भी इवोल्यूशंस करे गए हैं, जहाज बनाए गए हैं या फिर टेलीफोन से बात करे गए हैं, इन सारी चीजों पर हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अकेले ही, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ह्यूमंस को बंदी बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीजर, अगर आप जानते हो, अगर आपने पहले के 3 पार्ट देखी हैं तो सीजर को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट एक वही एक ऐसा लीडर था जिन्होंने सारे चिंपांजियों को आज़ाद कराया था ह्यूमंस की कैद से, और उसके बाद वो जंगल में जाके एक अलग शांति वाली जिंदगी जीना चाहता था, और फाइन लीडर था। सीजर का मानना है कि भाई साहब मिल बांट के हम रह सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन नोआ का मानना है कि भाई जब पावर हमारे हाथ में है तो अपना ही राज होगा, चाहे सामने कोई भी आ जाए, सारा खल्लास करेगा। तो भाई दोनों के ट्रेलर दमदार हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।